खेत में आया है बहुत दिन बाद। ये है सौरभ भैया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब लोग? तो आज है तो जनवरी, तो आज कोई आ रहा है हमारे यहाँ पे, आपको पता लगेगा। पापा बैठे हुए वहाँ पे। आज मैंने लेट बनाना शुरू किया है और भाई खेत में आया है बहुत दिन बाद। ये हैं सौरभ भैया। और चले होड़ी को आओ संचूंगी दिखाइए ग्रीन नेट टड़ी। आ जाओ, देख ले वीडियो। वीडियो देखी, रियल थोड़ा देखी। आओ कैंटा ना है जा गया। बंदा अंदर बैठा रहा, बाहर नहीं दिखता, अंदर है। था कोई लो ही है अंदर है, बाहर तो नहीं दिखता, अंदर बैठा बंदा नहीं पता लगता। ये ब्रोकली इन्हें चाहिए, बहुत तीन धूप चाहिए। ले जाओ तुम भी लाओ। तो अभी 5 मिनट आना हुआ, थोड़ा बहुत बात की पापा से, तो चल रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर कैसे रही फिर? बहुत बढ़िया। चलो ठीक है फिर, बाय बाय। तो अभी भैया चले गए हैं और 1 बजने वाला है और लंच टाइम भी होने वाला है। चलो पहले देखते हैं बाबा क्या कर रहे हैं। उनको कहा था कि टमाटर में थोड़ा घास वगैरह है वो साफ़ करना है, वो कर रहे हैं। लो भाई, बाबा ने घास निकाल दिया, ये अच्छे लग रहे हैं। उसमें से घास निकालना थोड़ा, ये कैसा साफ लग रहा है। और खेत भी अब अच्छी धूप निकल रही है इस बार। दिसंबर महीने भी अच्छी धूप निकली है इस बार, तो बहुत ही अच्छी हमारी मतलब सब जो भी चीज़ थी अच्छी तरह हुई है और कोहरे से बचा रहा है, उसके कारण कोई भी हमारा बीज ख़राब नहीं हुआ। बस एक प्याज को बीमारी आ रही है इस बार, पता नहीं क्यों, बट उसको भी हमने थोड़ा कंट्रोल में वो कर लिया है। तो घर आ गया हूँ और भूख लगी हुई है ज़्यादा। आज बने हुए हैं हमारे घर में वाइट आलू बैंगन और इधर है साग। साग को तुड़का लगा हुआ है। चलो खाने खाते, साथ में चाय बनती है खेत के लिए। मम्मी इन 4 फुलके बना लूँ, ठीक है? तो गाइस खेत में आके मैंने जो भी प्याज वगैरह उखाड़ना था उखाड़ा, तो अभी बैठा हुआ था और मैंने वो कागज़ सुबह जो मतलब निकालने होते आके वो निकाल दिए थे। तो अभी खेत में कस्टमर आया हुआ है, पापा उनसे बात कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे अभी ट्रे इसमें रख दूँ, अभी ऐसे ही इसको मतलब एटमोसफेयर बनाने के लिए रख दिया है और इसमें बन चुकी है। जो भी बीज को आपको हीट चाहिए ना, वो पूरी प्रॉपर अभी इसमें बननी भी मतलब स्टार्ट हो गई है और बनती भी है। ये चेक करने के लिए बनाया था, तो पूरा अच्छे से ये चल रहा है। तो इसको भी अभी हमने कागज़ लगाना है इसके ऊपर, या इसके नीचे लगाएंगे या इसके ऊपर। तो कागज़ लगा के इसको अपने बैठने के लिए शेड बना लेंगे, या इसमें बीज वगैरह लगाएंगे, कुछ स्पेशल बीज होंगे अगर बेल वगैरह लगाएंगे, बेल वाले मीन्स अगर बेल वाले लगाने तो बेल वाले लगा देंगे, नहीं तो इसमें तो बेल लगानी हुई है। घी आ कर तुम जैसे ऐसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ ना, ये ऐसे ये पानी नीचे से जा रहा है, जैसे बारिश हो रही है ना नीचे, सारा पानी नीचे गिर रहा है। तो ये भी फेंक देता हूँ इसको भी, ये देखो साफ हो गया पूरा प्रॉपर। चलो अब उधर देखते हैं पापा कस्टमर को क्या क्या दे रहे हैं, अगर मेरी ज़रूरत है तो काम करवा देते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ घर। मैंने मम्मी को कपड़े धोने के लिए दिए, जीन मेरी इधर पड़ी हुई है, बाकी बाहर पड़े हुए, मम्मी कहते हैं उठा ले, तो पहले कपड़े उठाते हैं। और अभी मेरे को जाना है दुकान, क्योंकि मेरा ना नेट पैक ख़त्म हो गया और गूगल पे नहीं चल रहा, क्योंकि गूगल पे भी उसी नंबर से अटैच है, तो मैसेज आएगा तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। क्योंकि अगर आपके फ़ोन में पैसे ही नहीं है तो उनके आप कस्टमर केयर से बात नहीं कर सकते। और दूसरी बात, आपके मोबाइल में जितना मर्जी पैसा बैलेंस हो और जब तक आपके पास अनलिमिटेड वाला पैक नहीं है, तो मेरे पास तो एयरटेल है, तो वो बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है। क्योंकि अगर मैंने पोर्ट करवानी हो तो पहले मेरे को अनलिमिटेड वाला रिचार्ज करवाना पड़ेगा, तो उसके बाद जो भी मैं पोर्टिंग या कुछ भी गूगल पे का मैसेज करना हो वो कर सकते हो। बट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि मैंने वाईफाई भी लगवा लिया है तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ रही।
तो मैंने दो सिम रखी हुई थी, तो एक मैं अब शायद बंद करवा दूंगा। चलो मम्मी, तो मम्मी क्या बना रहे हैं? मम्मी आई थिंक दाल बना रहे हैं, कुछ बुआ रही दाल की, तो अभी दाल को तुड़का लगने वाला ना। मम्मी मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, गूगल पे चल नहीं रहा, तो अभी मैं रिचार्ज करवाने जा रहा हूँ। चलो मम्मी का भी रहता है तो मम्मी का भी करवाते हैं। मैं मम्मी मेरा गूगल पे बना दो, फिर मैं यहीं पे घर पे कर दूंगा, पहले मैं अपना करवा लूँ। चलो चलते हैं मार्केट, अब पहले कप और मिक्सी वाला जग भी दिया था जसविंदर को ठीक करने के लिए, वो भी साथ में लेके आएंगे। तो गाइज मैं आ चुका हूँ मार्केट से, तो मैं भूल गया था कि आज संडे है, तो आधी मार्केट बंद थी, जैसे स्वीट शॉप वगैरह थोड़ी थोड़ी खुली थी जो बंद नहीं करते संडे को। तो अभी मैंने जो गार्ड लगाया किसी से रिचार्ज करवाया है, तो मम्मी का भी रिचार्ज कर दूंगा। तो अभी हम बॉकर पड़ा हुआ था उसको खोल के देखते हैं भाई उसमें। तो अभी हम बॉकर को खोल के देखने वाले हैं, तो रितु कहती है देखना है मैंने, तो खोल देते हैं इसको। रहा तो गाइस अभी हमने ओपन कर लिया, तो कहाँ से खुलेगा ये? तो यहाँ पे इसको पिन किया हुआ है, पहले पिन खोलनी पड़ेगी क्योंकि फिर से इसको पैक करना है। तो गाइस इस तरह कुछ ये बनेगा। तो अभी हमने इसको बनाया क्योंकि अभी जरूरत नहीं है, इसमें लाइट वगैरह होगी, म्यूजिक, और ये इसके टायर्स हैं और ये बहुत ही अच्छे और मजबूत है। और कुछ ये तो साइड में यहाँ पर लगी है, एक इधर एक इधर, तो अभी मैंने प्रॉपर फिट नहीं किया है क्योंकि अभी रखना है इसको, अभी बार इतना बड़ा नहीं हुआ। और कुछ इस तरह बनेगा। इसमें एक ख़ास बात है कि आप इसकी यहाँ से नीचे से हाइट को कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। मेरे को दबाना नहीं आता कहाँ कैसे, कहाँ ऐसे ऐसे कुछ, यहाँ ऐसे ऊपर थल्ले हो गए और ये ऐसे फिक्स हो जाता है। और हम ऐसे इसको नीचे से बटन उठाते हैं, फिर से ये ऐसे फिक्स होगा और ये हाइट इसकी आप कम कर सकते हो, कम होगी और रखने में आसान है। तो गाइस अभी मैं मतलब मार्केट से तो आ गया था, तो मैं साथ में लाया था लस्सी जसविंदर के घर से और पपीता, और जसविंदर खुद घर पे नहीं था। और सबसे बात ये थी कि आप खुद कटिंग करवाने के लिए गया हो, तो मैंने उसको फ़ोन भी नहीं किया, तो मैं सीधे उसके घर गया था। तो आते शाम पपीता लेके आया हूँ, सुबह बनेंगे पपीते के परौंठे, और सब्ज़ी भी इसकी बहुत टेस्टी बनती है, आप भी खा के देखना, परौंठे भी बहुत टेस्टी बनते हैं। चलो अब खाने खाते हैं, चलते हैं अपने रूम में। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो कैसे आप सब लोग? तो आज है 3 जनवरी, तो अभी मैं हूँ खेत में और रात जल्दी सो गया था और फ़ोन हाथ में था तो नींद आ गई, पता नहीं लगा कब मैं सो गया क्योंकि कल थक गया था ज़्यादा। तो अभी मैं खेत में हूँ और बादल हो रखे हैं, बहुत ही अच्छा मौसम है आज, पर धूप कम है आज। और बाबा इधर टमाटर की कल थोड़ी सी रहती थी कटाई, वो हमने मतलब करनी स्टार्ट कर दी थी आके बाबा ने, तो घंटी लगे हुए उधर। तो चलो अब देखते हैं कौन कौन सा काम करना है खेत में आज। वैसे तो हमें वो टमाटर के कागज अभी अभी गाइस खेत में आ चुका हूँ फिर से। तो मैंने ये कोको फीड निकाल ली, जिसको कहते हैं हम नारियल का बूदा, जो नारियल का छिलका नहीं होता ऊपर, उससे के साथ बनाई होती है। आपके घर में अगर ज़मीन वगैरह नहीं है आप इसको ले सकते हो, और इसमें कोई भी चीज़ लगा सकते हो, जैसे कि टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, मिर्च हो गई, आजकल इसी में घर पर लगा सकते हो। और ये पूरा ना 5 किलो का पीस था, थोड़ी पिछले साल यूज़ की थी, और ये पीस था पड़ा हुआ, मैंने मुझे लगता है ये भीग गया और सारा ये बिखर गया, इसी लिफाफे में डाल के रखा हुआ था और पानी लगने से तो बिखर गया। तो अभी मेरे को इसमें लगानी है काली तोरी, तो थोड़ी सी निकालते हैं। और मेरे पीछे मधुमक्खी पड़ चुकी है, ये हट ही नहीं रही, अब चली गई। तो बहुत ही सॉफ्ट है ये, इस टाइम देख सकते हो आप, बस इतनी बहुत है मेरे को लगता। इसमें डालते हैं पानी, इतने डाल दिए मैंने,
और एक कल को अगर एक दिन मतलब पूरा मतलब 6-7 घंटे ठीक रहता, बट मैं आज डाल के कल सुबह इसको निकाल लूँगा और कल सुबह इसके साथ ट्रे भरूँगा। ट्रे भी आपको दिखा देता हूँ, बाकी हम रख देते हैं अंदर। तो गाइज ये रेट है, एक में 98 पीसेस आ जाते हैं, मतलब 20 आ जाते हैं इसमें, तो इसको भरना पड़ता है। ये थोड़ी सी धूप के साथ ख़राब हो गई है, बाकी नीचे वाली अच्छी हैं, और इनको पहले धो लेता हूँ फिर इनमें लगाऊंगा, या ऐसे ही लगा सकता हूँ इसमें क्या है धोने में। गैस को काफ़ी सारी पड़ी हुई है मेरे पास, इस साल इसको यूज़ करूँगा और नई भी लेके आनी है मैंने। तो अब इसमें डालते हैं पानी, एक डब्बा मैंने डाल दिया, और हौली हौली इसमें पानी अजर्ब हो जाएगा। चलो तो इसको घोल देते हैं, फिर घुलेगा नहीं, धीरे धीरे पानी में मिक्स हो जाएगा, टाइम लगेगा इसको। ये देखो कैसे पानी नीचे चला जाएगा, ये ऊपर रहेगी सारी, धीरे धीरे गंदा हो जाएगा। तो ऐसे अब ये गीली हो चुकी है, तो इसको अब रख देते हैं अंदर, कल निकालेंगे और इसके साथ ट्रे भरेंगे, उसमें डीजल लगाएंगे, तो आपको कल बताऊँगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस अभी बज चुके हैं 3:30 और मैं और बाबा यहाँ पे लगा रहे हैं ब्रोकली। तो घर पे जाके मैं रोटी खाया था, मतलब चावल बने हुए थे, और फटाफट से खा के आया क्योंकि कस्टमर आए हुए थे, अभी कस्टमर गए हैं, तो अभी हमने ब्रोकली लगानी यहाँ पे स्टार्ट की है। पकड़ा बाबा ऐसे, हाथ दूर रखो, ये ऐसे पकड़ा, ऐसे मारा दूर से, और इसको ऐसे पीछे से हिलाया, ऐसे थोड़ा ला डालो पीछे के, ये डाल दिया और इसको निकाल लिया, ये हाँ ऐसे इसको कर दिया, बस लग गया। तो गाइस सीधा खेत से मैं आ गया था घर, और घर से रेडी होके जसविंदर के घर हूँ, तो आपको किसी से मिलाता हूँ, और बड़ा देर से मेरे को घूर रहा है कि इसने मेरे को वीडियो में नहीं लिया, तो आपको मिलाते हैं। चलो किद्दा भाजी, ठीक है है? हाँ जी असि छेड़ते हैं उन्हों, अच्छा ये गुस्सा, ये गुस्सा कर गए, अच्छा अंग्रेजन है हाडी, ए अंग्रेज सा साडा छोटा अंग्रेज, अच्छा कहिंदा हाथ ना लाओ गंदे बंदे, कहिंदा गंदे बंदे हाथ लाई जांदा है ना, गंदे बंदे हाथ नहीं लाने कहिंदा, हाँ दिंदा सैनिटाइज करो है ना, जीबा कानू कड्डी जांदा वे, जीबा कानू कड्डदा। तो गाइस अभी मैं घर आ चुका हूँ, जसविंदर को उसके घर छोड़ दिया है, तो उसने भी बहुत शॉपिंग की, मैंने भी शॉपिंग की, उसने एक जैकेट लिया है और दो अपने लिए मैंने दो पजामे लिए हैं, तो अभी साथ में एक मैं हैंड वॉश लेके आया हूँ, तो बानी की एक मेडिसिन थी वो भी लेके आया हूँ, तो अभी खाते हैं खाना, और बनी हुई है आज कड़ी, तो अभी खाना पीना हो चुका है, चलो मिलते हैं बानिक से, फिर सोते हैं। किद्दा बानिक, बानिक ओए बानिक, चुके हैं 9:30, तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।